मैं चेक करूँ भाई कितना खतरनाक घाट है। डेंजर घाट, बहुत डेंजर घाट है। वहाँ तक गई है आगे तक हमें कितने सारे ट्रक जा रखे भाई। खतरनाक घाट कैसा है? बहुत भयंकर घाट है। खतरनाक चीजें हमारे बुजुर्ग भाई के पास आगे दिखाता हूँ। ये देखो आ जाओ, चेक करो। बोल रहे धुआं निकल रहा है भाई, दिखाओ धुआं, दिखाते हैं भाई। ओ भैया धुआं, यार धुआं से काफी देर यार लेदर देने लग गए। धुआं हो देख धुआं। Hey guys, welcome back to my new vlog. सबको जय श्री राम और फिर से गुड मॉर्निंग। जस्ट सुबह के 8:30 और आपका भाई पहुंच गया भाई भरी। जस्ट यहाँ से हजारीबाग है भाई 34 किलोमीटर और हमें जाना है कटरा। लेट नाइट हो गया था, मैं कोसत से निकले, फिर हम पहुंचे 12 बजे करीब मक्खन के ढाबे पे, वहाँ खाई रोटी। और रोटी खाने के बाद जॉपी बॉर्डर तक चलाई भाई विशाल भाई ने गाड़ी अपनी, पूरी 3 घंटे गाड़ी चली विशाल भाई ने चलाई। और बारिश तो बहुत तगड़ी हो रही थी भाई, कल इतनी बारिश हो रही थी ना कि रात को रोड भी नहीं चमक रही थी। 3:30 बजे तक हमने गाड़ी चलाई और उसके बाद फिर अपनी अपना एक दोस्त आया है, उसको दिखाऊंगा अभी आपको मैं, आप पहचानना कौन है साथ में। अभी वो आगे चल रहे हैं, हम पीछे चल रहे हैं थोड़ी सी। तो फिर 5:30 बजे उसने मुझे उठाया, 3:30 बजे सोने के बाद 5:30 बजे उठा और चल दिया फिर गाड़ी लेके, और चलते ही जा रहे हैं। अभी हमें यार बहुत सारा काम भी करवाना है, एक तो तेल डलवाना है, तेल डलवाने के बाद भैया हमें पेपर भी निकलवाने हैं, जो बिल आते हैं ना व्हाट्सएप पर रखे बिल, वो सारे पेपर निकलवाने हैं। और भैया चलते ही जाएंगे, देखते हैं भाई। अभी हमारा टोटल जो सफर है ना कम से कम है 600। भाई ये कौन मिल गया हमें रास्ते में? मोदी जी। पहचान लो भाई ये कौन सी गाड़ी है। कौन है भाई बताओ, कौन कौन बताएगा? ये हमें मिला था भाई सुबह, और सुबह इसने हमें उठाया भाई बॉर्डर पे आगे 5:30 बजे टॉपी बॉर्डर पे। खतरनाक ढलान देख रहे हो, 80 भाग रही गाड़ी पूरी। खतरनाक ही घाट है भाई ये, खतरनाक ही। अभी चढ़ा रहा है आपका भाई घाट, मांटू घाट। ये घाट यार इतने सारे आपको तो पता ही है भाई, कितने सारे घाट हैं झारखंड में। गाड़ी के ओट लगा दे, कोट लग रहा। कहाँ चलेगा ससरिया काल? तेरा कच्चा ऑरेंज वाला संतरी कच्चा ले रखा लौंडे में, क्या करे वो योगी जी ने पहना रखा है। ये हमारा छोटा चेतन मिल चुका है हमें, और छोटा चेतन के साथ है अपने भाई, क्या नाम है भाई अपना? राम अवतार भाई मिल गए। देखो भाई राम अवतार पटेल है, राम अवतार पटेल। और क्या खिला रहा फिर, जैसे इतने दिनों बाद मिले मन करे वो खाओ। ये देखो कच्चे के लिची, कच्चा तो दिखा, ये दिखा ना ये। अबे यार क्या दिख रहा है भाई, ये देखो भाई गाड़ी कितनी गंदी कर रखी, साफ सफाई करा कर भाई। से इसे बताओ भाई, कमेंट करके बोल देना भाई गाड़ी की साफ सफाई रखो कर, बिगड़ गया वो लौंडा। चिकना हो रहा है यार प्रतिदिन, क्या बात, लौंडा हो रहा है चिकना। चलो भाई चाय पानी पीते हैं आगे, फिर रामगढ़ घाट है अभी, कुछ घाट चढ़ाया जस्ट। घाट चढ़ाने के बाद भाई थोड़ा आराम देना चाहिए गाड़ी को, गाड़ी को आराम दे रहे हैं और फिर अब पियेंगे चाय, चाय पप्पे खाए जाएंगे। बोल रहे धुआं निकल रहा है भाई, दिखाओ धुआं, दिखाते हैं भाई इसको। ओ भैया धुआं, यार धुआं से काफी देरी यार लेदर देने लग गए धुआं। और देख धुआं लेदर होगा। और देखो भाई पार्टी चल रही है भाई यहाँ तगड़ी वाली, वरुण चौधरी भाई अपने पार्टी करा रहे हैं। और ये देखो भाई अपनी फेवरेट चीज क्रीम रोल के साथ हमारा भाई, क्रीम रोल खा रहे हैं। तुम तो चोको लेते हो, उस पे हमने कुछ बोला? चोको मजा आ रही है।
कहाँ का माल है लोंडे? उड़ीसा। क्या वाड़ा? वाड़ा मैं तुझे गिनने में नहीं आ रहा, वेंचर इतनी बड़ी पड़ी है। अबे यार, अबे यार, मैं जैसे कैमरा दूर करने वाला था। कोई बात नहीं, तुम्हारे मौका मिलेगा। मैं अब रामगढ़ घाट पे चढ़ेंगे और हमने बैठा लिया अपने भाई को, वरुण भाई को अपने साथ। तो भाई कैसा लगा हमारी ट्रक में बैठ के? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई, कितने दिनों बाद मिले यार, मजा आ गया भाई। इसने यार वो नहीं ले गया है मेरे लिए, क्या बोलते हैं एक चीज है कचौरी, फेमस कचौरी है भाई, इतना स्वाद आता है ना उसको खाने में, क्या बताऊं, मजा आए एकदम। तो अभी आप हमारे सामने आएगा अभी रामगढ़ घाट और उसे चढ़ाएंगे, देखना किस हिसाब से चढ़ाएगा आपको भाई। रामगढ़ घाट और घाटी चढ़ाना स्टार्ट कर दिया गाड़ी को, और ये वरुण भाई की गड्डी बगल में लग चुकी है हमारे, गड्डी जानती है छलंगा हमारे दी घाटी क्षेत्र गिर पे धीरे चले विजिट करके आपको भाई रामगढ़ घाटी, और यहाँ से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है चढ़नी। और राहुल गांधी किसको? राहुल गांधी पप्पू पास हो गया, घाटी चढ़ने भी आपके भाई की गड्डी आ रही है छलंगा मार देवी, गियर लगा भाई भाई फिफ्थ और आराम आराम से चलता जा रहा है आपका भाई, चढ़ा ही देंगे स्लोली स्लोली। कैसा क्या क्या प्रतीत होता है तुम्हें? चौथा मांगेगी भाई, गेट तो मांगेगी अभी तो, ये चढ़ाई स्टार्ट हुई भाई, चढ़ाई स्टार्ट है। और क्या 7.5 किलोमीटर का घाट, चढ़ चुका है आधा घाट रह चुका है भाई, एक्सीडेंट पीछे बहुत खतरनाक हो रखे थे, बेहिसाब एक्सीडेंट, 3-4 गाड़ी एक साथ अंदर, बहुत खतरनाक है भाई ये घाट, व्हाट अ डेंजर घाट, बहुत डेंजर घाट रामगढ़ घाट। यहाँ गाड़ी कर रही है आराम, जब घाट चढ़ाते हैं तो गाड़ी जब पुरानी होती है तो भाई उनको थोड़ा आराम देना पड़ता है, ये देखो एक एक्सीडेंट ये हो रखा है, काफी खतरनाक एक्सीडेंट है। भाई रामगढ़ का घाट उतार के मतलब चढ़ा भी दिया उतार भी दिया, आ गया भाई आपको भाई रांची बाईपास बिल्कुल टोल टैक्स के सामने, वो देखो टोल टैक्स सामने, और हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ चल ली अपनी मीटिंग। और भाई ये बनाया है बिल्कुल नया बाईपास, पहले 60 किलोमीटर घूम के आप रांची पार करते थे, अब ये 20-22 किलोमीटर भाई आप रांची पार करते थे, और एकदम रोड एकदम बढ़िया मस्त। अब पियेंगे चाय के कप और फिर डलवाएंगे तेल और रोटी रट्टी खाएंगे, मुँह नहाएंगे धोएंगे तो सिस्टम नहीं है, पर देखते हैं फिर क्या रहता है। नहीं बोलना बहना चौधरी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ऊपर वाली तिरपाल से नीचे पानी चला गया होगा, नीचे वाली में जमा हो गया होगा, हमारा पार्टी बकचोदी थे उससे सही है क्या नहीं। ठीक है चल रही भाई चाय, चाय चल रही और यहाँ मीटिंग चल रही, पता नहीं कौन सी बात चल रही, कोई तगड़ी बात चल रही है, ये बताई नहीं जाती। अच्छा अंदर की बात, अंदर की बात है, कौन सी बात है, गुप्त बात है, तो जापानी तेल वाली बात तो नहीं है, जापानी तेल वाली बात, हंसा तो फंसा, रात को क्या चेक किया था तुझे? क्या चेक करना यार, ऊपर से दिख रहा है, तुम्हारी गहराई चेक करी, कूद गए का कुआं में कूदे तो गहराई क्या चेक करना, ले बेटा हमारी टीम बहुत तगड़ी है, उठा लिए जाओगे तब। चाय पानी पिया और अब निकल रहे हैं भैया, अब निकलते हैं गड्डी लेके, हूँ गड्डी जाएगी छलांगा मार दी। चीजें हमारे वरुण भाई के पास, आ जाओ दिखाता हूँ।
ये देखो आ जाओ, ये चेक करो, आ जाओ दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग। इसे क्या बोलते हैं पता है? खुलने ही वाला है, रुको रुको। पेटी भी ना खोलनी आती भाई इसको। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक जैक है ये, ऑटोमेटिक। इसको अंदर लगाओ, केबल को करंट पे लगाओ पंखे पे और ये ऑटोमेटिक उठा देता है, फ्रंट एक्सल का टायर भी उठा देता है, भरी गाड़ी को भी उठा देता है यार, काफी है नी? नहीं तुम्हारे ग्रीस वगैरह के लिए काम बढ़िया जैक है ये, ऑटोमेटिक जैक है। और ये जैक किसका है? ये भाई का है, ये भाई का जैक, वरुण भाई का जैक है। हम पैसा आ रहे हैं, इनको देख लो ऊपर से, देखिए नीचे ना, नीचे नीचे ना पैसा ऊपर तक रहेगा, नीचे भी पैसा, ढाई करोड़ के पैसा। चलो भाई, चलो ढाई करोड़ तो नीचे लटक रहे मेरे, क्या बात कर रहे थे। चाय पानी पी के निकल गया आपके भाई रूट पे वापस, टाइम हो रहा है एक, और अभी तक हमने खाना नहीं खाया है, आगे कहीं खाना भी खाना है, तेल भी डलवाना है, बहुत सारे काम करने हैं, जो कि अभी हमारा वरुण भाई चला रहा है हमारा ट्रक। और कैसा फील कर रहे हो भाई वरुण भाई? बहुत मजा आ रहा है, गार्डन 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 हो रहा है। और भाई चेक करो भाई, एक और घाट आ गया भाई, चेक करो भाई कितना खतरनाक घाट है, तेमरा घाट, तेमरा घाट। खतरनाक तेमरा घाटी उतार के आपका भाई खड़ा हो गया, दोनों गाड़ी लगा दी भाई साइड में, अब खाएंगे रोटी पानी, रोटी पानी खाते खाते रोटी पानी खाएंगे इतने हमारे हो जाएंगे लेदर ठंडे। और ये चेक करो भाई, देखो कितना धुआं दे दिया गाड़ी, देखो कितना धुआं दे रही है, पूरे लेदर गर्म हो रहे, खतरनाक वाले। और भाई कभी भी गाड़ी आप घाट उतारते हो तो उसके बाद एकदम ना हैंड ब्रेक नहीं डालने, ओट लगा देनी है टायर को, जितने आप रोटी पानी खाओगे उतने आपके जो गाड़ी के लेदर एकदम ठंडे हो जाएंगे, अगर आप ऐसे ऐसे में डाल देते हो हैंड ब्रेक तो आपके लेदर चिपक जाएंगे, फिर आपको बहुत कष्ट होने वाला। इतना धुआं निकलता है कोई गाड़ी में से, जो तेरी गाड़ी में से निकल रहा। इनको नींद कितनी आ रही, ढाबे के अंदर बैठ के दोनों को तोते उड़े पड़े, एक रात गाड़ी चलाने का हाल है इनका। यो यो भाई, यो ऐसा है, यो रात में गाड़ी ना चलाया था, यो 11 बजे 11:30 बजे 11:05 हुए, ये लोंडा लगाएगा साइड में गाड़ी, फिर कहेगा कंडक्टर हाँ भाई लेके चल, और ये फुल नींद लेगा सुबह के 9 बजे तक, इसके पिछवाड़े पे जब तक कोई लात ना मारे जब तक ये उसमें भी नहीं आता, और अब ये यहाँ खाट पे बैठे बैठे देखो देखो बोली सी शक्ल को, ये बैठे बैठे भाषण दे रही है, हमने तो ऑर्डर ऑर्डर मार दिया भाई साहब, इनके नींद आ रही है, ऑर्डर मार दिया वो, ये तो बता दो ऑर्डर भाई साहब, सुपारी खा के गाड़ी चलाई हमने। जय हिंद दोस्तों, जय बाबा की। और भाई ये देखो, ये चेक करो भाई, ये आ गया हमारा पालक पनीर, और ये कौन सी दाल है, तड़का, ये तड़का है, अरहर की नहीं है, ये तड़का दाल है, और ये हमारा पालक पनीर, और अब इसको ट्राई, हरी मिर्च भी दे दी, ट्राई करेंगे हम हरा साग को, बहुत बढ़िया आया स्वाद हो रहा है भे। भैया तो मैं बना था जो खाना बढ़िया हो नहीं हो ऐ कर दे 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 यो यो करता रहता है। कैसे लगा खाना, खाना कैसे लगा बनू? ओ दांत फाड़ ये देखो, खाना कैसे लगा भाई? यार खाना खा रहे यार, ये तो ढेर मस्ती मार रहा है, पता नहीं क्या हो गया बावली कांड। रोटी पानी खा के निकल गए हम, और वरुण भाई हमारे पीछे चल रहा है भाई, वरुण का माल है भाई, उड़ीसा का ही माल है, उसका भी साथ में साथ ही है, मतलब उसको बहुत पहले है मेरा, आगे है 200-250 किलोमीटर आगे का माल है, उसका पहले का ही माल है। और भाई हमारा सो रहा है क्योंकि भाई पूरी रात को जाग रखा था तो इसको सुला दिया, मैं पूरी रात का ही जाता हूँ भाई, सोने को कहाँ मिला, चला रहे हैं बस ट्रक, जब तक चलता है चलाएंगे। खैर अभी तो नींद नहीं आने की, भगवान की दुआ से यार, आपके रिलायंस पेट्रोल पंप देख रहा कोई, क्योंकि मेरा फ्यूल ख़त्म होने वाला है, एमरजेंसी में मुझे फ्यूल की बहुत नीड है, आई नीड फ्यूल।
यार तेल ही नहीं मिल रहा यार, क्या किस्मत है मतलब। वरना रिलायंस के पेट्रोल पंप इतने सारे मिल जाते हैं, जो लोग जल्दी जल्दी ढूंढते हैं कोई रिलायंस का पेट्रोल पंप और कराते हैं टैंक फुल और निकाल लेंगे। एवरेज 942 किलोमीटर की ड्राइव होगी हमारी, जहाँ से फर्स्ट बार हमने ऑयल लिया था ना एक्सप्रेस वे से, वहाँ से लेके 942 किलोमीटर टोटल गाड़ी चल चुकी है अभी हमारी भाई। रिलायंस पेट्रोल तेल ही नहीं मिला भाई, निकल रहे यार तेल ही नहीं मिला, पंपा ही बंद है, पंपा बंद नहीं है मतलब काम चल रहा, क्या किस्मत भाई। तो भाई पहुंच गया पंपे पे और यहाँ ले रहे हैं हम 20,000 का डीजल, फुल टैंक नहीं कराएंगे क्योंकि भाई चोरी होता है वहाँ, डीजल लगता है चोरी, बेटे ध्यान रखिए वहाँ। हो गया शाम, सबको प्यारे से गुड इवनिंग एंड जय श्री राम। और भाई भी उठ चुका है भैया, इसने वरुण चौधरी का नाम रख दिया दुर्गेश नाई। दुर्गेश नाई कहाँ तक चलेगा हमारे साथ। 987 20,000 का तेल डला है और निकल गया भाई, वहाँ होता है तेल चोरी, फायदा है नहीं कुछ, फुल टैंक करा लो कोई फायदा नहीं है। तो चलते हैं आराम आराम से, अभी हमारा सफर रहेगा 360 किलोमीटर का और एवरेज आपको एंड में बताया जाएगा, जब जहाँ भी टंकी फुल होगी वहीं आपको एवरेज बता दूंगा मैं। टेंशन नहीं लेने का, रोटी पानी खाने का, बस मेरा कच्छा नहीं पहनने का। और भाई रात के बज गए 9:18 हो गए, और भाई ये देखो भाई गाड़ी हमने कहाँ लगा दी भाई, बैरागोड्डा पहुँच गया, अभी चलते रहेंगे भाई पूरी रात का सफर है, मतलब बहुत लंबा सफर है भाई, बहुत लंबा बेहिसाब लंबा सफर है। अरे यार इसके चक्कर में लेट हुए, गाइस अगर आप टायर चेंज करवा रहा हूँ, टायर चेंज करवा रहा हूँ, चेक करा सकता रोमन उड़ सर पकेती करो ना ना। तो ठीक है भाई दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, कल को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, देखते हैं कल क्या कहाँ विजिट होता है हमारा। हाँ आप में से कोई अगर लेडीज मतलब फीमेल अगर कोई व्यूअर है तो वो कमेंट कर दे भाई, उस हिसाब से कंटेंट बनाना चाहिए ना यार, इसलिए बोल रहा हूँ भाई। ठीक है पता नहीं क्या बोलना, मेरे तो समझ से बाहर है, तो बाकी आप इसकी बात को सुन लेना भाई क्या बोलना। तो ठीक है दोस्तों आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं बैरागोड्डा में, कल को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, सबको जय श्री राम एंड फिर से गुड नाइट। एक तो उसकी गाड़ी के लेदर धुआं ही धुआं देने लग जाते हैं। ओके बाय बाय तो करते हैं और छोटा चेतन बाय बाय, और बाय बाय कर दे लौंडे टाटा भाई टाटा।